अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको ये बताते चलें कि करना को कुपवाड़ा से मिलाने वाली कौमी शाहरा को फिलहाल ट्रैफिक की नकलो हरकत के लिए बंद कर रखा है, क्योंकि आज जो है थाना एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसके वादे तौर पर लिखा है कि आने वाले 3 दिन के अंदर और लंच वार्निंग जारी की गई है, जिसकी वजह से स्लो ट्रेन में कहीं ना कहीं ताखीर हो सकती है। ज़्यादा बर्फ़ होने की वजह से सारना टॉप जो है इस वक्त कम से कम 3 से 4 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई है, और उसके बाद जो है उन्हें चलाने एडवाइजरी जारी की गई है। और ये वादा है कि उसमें टाइम लग सकता है, इसीलिए जो है थाना एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया है कि फिलहाल 3 दिन के लिए जो है कुपवाड़ा को इशारा को ट्रैफिक की नकल हरकत के लिए बंद रखा जाएगा। अब अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट है या फिर किसी को इमरजेंसीज है, मेडिकल इमरजेंसीज है या कोई और इमरजेंसीज है, वो सूरत में जो है एसटीएम ऑफिस में अपना नाम लिखवा सकते हैं और फिर जो है उनको सॉर्टी के जरिए चॉपर के जरिए एयरलिफ्ट किया जाएगा। बसूरत मौसम ठीक रहा तब ये पॉसिबल होगा। तो ये सबसे बड़ा डिसीजन जो लिया है आज करना एडमिनिस्ट्रेशन ने कि फिलहाल 3 दिन तक जो है 3 दिन तक अवलंज वार्निंग होने की वजह से करना कुपवाड़ा को इशारा को ट्रैफिक की नकलो हरकत के लिए बंद रखा गया है। ये आप सुन रहे हैं बरगास, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 3 दिन के लिए जो है ये एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें ये वाजह तौर पर लिखा है कि करना कुपवाड़ा को इशारा को 3 दिन के जो है 3 दिन के लिए कोई भी इस पर ट्रैफिक की नकलो हरकत नहीं होगी और टोटली जो है बंद रखा जाएगा, क्योंकि जो है अवलंज वार्निंग की वजह से स्नो प्लेयर्स में जो है कहीं ना कहीं ताखीर हो सकती है, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को ये फैसला लेना पड़ा। और लोगों से भी ये अपील है कि वो कॉपरेट करें और बसूरत अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, वो जाकर एसटीएम ऑफिस में अपना नाम लिखवा सकते हैं और अगर मौसम ठीक रहा या ठीक हुआ तो फिर उनको जो है एयरलिफ्ट किया जाएगा थ्रू चॉपर, सब्सिडाइज हेलीकॉप्टर जो चल रहा है सर्विस, उसके जरिए जो है उनको दूसरी जगह पर मुंतकल किया जाएगा।